हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कुषाण वंश से रिलेटेड है ये वीडियो, तो यहाँ पर हम कुषाण से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर, सबसे पहला है कुषाण। इसके बारे में देखते हैं कि जो उत्तर पश्चिम है, मतलब ये जो हमारा उत्तर पश्चिम है, यहाँ से एक जाति जो है वो आती है। वो जाति कौन सी थी? तो यूची जाति आती है। और फिर बाद में यही क्या है, बाद में हमें यही कुषाणों के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम में कुषाणों का आगमन पहली शताब्दी से तब हुआ जब इस क्षेत्र पर आधिपत्य करने के लिए विभिन्न शक्तियां छोड़ लगी हुई थी। मतलब बहुत सारी शक्तियां हैं जो हैं इसी मार्ग से, उत्तर और जो पश्चिम वाला क्षेत्र है इधर से ही आ रही थी। तो एक यूची जनजाति भी यहां पर आई थी और वे क्या थे, यूची कबीले से संबंधित रखते थे। जो जनजाति यहाँ पर अंदर प्रवेश कर गई, यह है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया में दूसरी शताब्दी से पूर्व में स्थायी तौर पर क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं तथा 5 इकाइयों में बट गए थे। तो कोई भी इलाका हो, चाहे वो किसी भी देश या किसी भी जगह का हो, तो हमेशा क्या है, लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, हमेशा यहाँ वहाँ से ही लोग क्या है आते हैं, अपना स्थान बदलते रहते थे। तो आज के तो दौर पे देखें तो आज भी लोग यहाँ से विदेश जाते हैं, विदेश से यहाँ पर आते हैं और यहाँ क्या है बस भी जाते हैं। तो उस समय भी क्या है, पूरे एक कबीले के कबीले उठ के लोग जो है जो दूसरे देश को शिफ्ट हो जाते थे या फिर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते थे। तो सेम यहीं पर के जो है कुषाणों, मतलब पहली शताब्दी में ही देखें तो आज से लगभग, आज जो शताब्दी चल रही है उसके मतलब पहली शताब्दी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये एक यूची जनजाति है, वो भारत में प्रवेश करती है और इनमें प्रत्येक का मुखिया होता था। मतलब बहुत सारे कबीले हैं, मतलब उनका एक मुखिया होता था, हेड होता था, जिसे याग्बू नाम से भी जाना जाता था, याग्बू नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पर जो है 5 इकाइयों में बट गए, यही यूची जाति जो है 5 इकाइयों में बट गए। कुर्मेशांग जो है मुख्य रूप से मुखिया जो है कुजाला कडफिसिस ने यूची की 5, मतलब ये जो यूची थी वो 5 भागों में डिवाइड हो गई। ये जो पांचवी है, पांचवी वाली, यही क्या है कुषाण कहलाए और जिसका मुखिया जो है वो होता है कुजाला कडफिसिस ने यूची की 5 कबीलाई इकाइयों को एकजुट किया और काबुल और कश्मीर में सैनिक अभियान भेजे। और इन्हीं ने क्या किया, यहाँ कश्मीर में और काबुल में अभियान भेजे। और फिर जब कुजाला या फिर कुजुल कडफिसिस जो हैं उनकी मृत्यु के बाद जो है उसकी मृत्यु 80 वर्ष में हो गई और उसका पुत्र जो है भीमकट फिसेस उसका उत्तराधिकारी होता है, जिसने उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुषाणों ने के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन जो है चीन के हान राजवंश के इतिवृत्तों में भी मिलता है। कहा जाता है कि इनका संक्रमण 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। वीमा कडफिसिस का उत्तराधिकारी कनिष्क था, लेकिन पहले 2 राजाओं और कनिष्क के बीच का संबंध स्पष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, वीमा कडफिसिस और कनिष्क के बीच में भी राजा थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। कनिष्क के कुछ प्रमुख पुरालेख जो है सारनाथ कौशाम्बी मथुरा में पाए गए हैं। तो सारनाथ कौशाम्बी इन सब पे क्या है कनिष्क के जानकारी हमें मिलती है यहाँ से, जो लेख लिखवाए गए, जिनसे ये संकेत मिलता है कि प्रारंभ में इसका संबंध जो है पूर्वी भाग से था और अन्य क्षेत्रों में भी इसकी सत्ता जो है विस्तार बाद में हुआ। इसका साम्राज्य जो है पश्चिम में ऑक्सस
से पूर्व में वाराणसी, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में सांची तक फैला हुआ था। इसमें मथुरा को उसकी दूसरी राजधानी का दर्जा प्राप्त था। साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। अभी हम ऐसे डायग्राम से भी देखेंगे इसको, पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। कनिष्क का उत्तराधिकारी क्या हुविष्क होता है और कुषाणों का अंतिम शासक वसुदेव होता है। लेकिन हुविष्क और वसुदेव सेकंड जो हैं, इनके बीच में भी कई सारे शासक हुए हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। आगे है राजवंश तृतीय शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक बना रहा, परंतु अब तक जो है सम्राट सिकुड़ चुका था। और बाद के इन राजाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है जो मुद्राओं पर अंकित है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ और डायग्राम से देखते हैं कि किस प्रकार से था। तो जो हमने यहाँ पर देखा, तो एक यूची जनजाति जो है भारत में आती है। तो इसके जो कनिष्कों के संस्थापक कुषाणों के जो संस्थापक हैं, कुषाणों के संस्थापक कुषाण के संस्थापक 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 कौन थे? कुजुल कडफिसेस, जो कि हमने पहले पढ़ा है। इसके आगे जो नया शासक आता है वो है विम कडफिसेस। इसके बाद कौन है? कनिष्क आता है, कनिष्क, और उसके बाद वशिष्ठ, उसके बाद है हुविष्क आते हैं, फिर कनिष्क, यहाँ से कौन आते हैं? कनिष्क द्वितीय, फिर उसके बाद वासुदेव प्रथम और कनिष्क तृतीय, और फिर बाद में वासुदेव द्वितीय। इसके सिक्कों पर हमें मिलता है शिव व विष्णु का अंकन हमें मिलता है, विष्णु का अंकन सिक्कों पर। इसके अलावा भी इन सब के बारे में हमें चर्चा मिलती है, तो हम एक एक करके देखते हैं। संस्थापक हमने देख चुके हैं, कुजुल कडफिसेस था। इसके अलावा अब हम दूसरे की बात करें, तो यहाँ पर दूसरा जो था वो था विम कडफिसेस था सेकंड नंबर। और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि हाउ हान शू में लिखा गया है कि कनिष्क का तिश्न चू जो है पंजाब को जीता था, और यही जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो कुजला कुडफिसेस हैं, इन्होंने काबुल और कश्मीर में सैनिक अभियान किया था और वहाँ पर जीता था, लेकिन भारत पर स्थायी रूप से जो संस्थापक माना जाता है वो विम कडफिसेस को माना जाता है। और इन्होंने जो इनकी जो राजधानी थी
राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, पुरुषपुर, पुरुषपुर राजधानी थी। और इन्होंने ही सर्वप्रथम सर्वप्रथम विम्कट फिशेस नहीं, सर्वप्रथम क्या है? नियमित नियमित रूप से, नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम नियमित रूप से सोने सोने के सिक्के जारी किए थे, जारी किए थे। इनके जो सिक्के हैं, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? तो मान लीजिए ये क्या है, एक सिक्का है विम्कट फिशेस का। तो यहाँ पर जो है शिव है, नंदी है और त्रिशूल का अंकन है, त्रिशूल का अंकन है। साथ ही यहाँ पर हमें यूनानी 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 भाषा और खरोष्ठी भाषा, खरोष्ठी भाषा के बारे में भी यहाँ पर क्या है, जो लेख लिखे गए हैं वो मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो भीमकद फिसेस है वो शिव का शैव अनुयायी था। क्या पता चलता है? शैव अनुयायी होना हमें पता चलता है। अब इसके आगे जो शासक हैं उसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगला शासक है उसको हम देखते हैं। अगले शासक के लिए अगला शासक कौन था? तीसरा वाला कनिष्क था। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस कनिष्क थे, सबसे कुजाला, फिर विम्कट फिशेस और फिर कनिष्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सिक्के भी चलाए, बहुत सारा निर्माण भी किया, तो सर्वप्रथम एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ये क्या है, एक है? सर्वप्रथम एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना भारत में यहाँ पर करते हैं। आगे है इनका जो एक अफगानिस्तान अफगानिस्तान से एक रब तक अभिलेख मिला है। यह है कनिष्क के अंतर्गत था, कौन? अफगानिस्तान। और इसके अलावा चंपा जो है रब तक अभिलेख किसका है? तो कनिष्क का है और अफगानिस्तान से मिला है। इसके अलावा कश्मीर, पाटलिपुत्र हो गया, कश्मीर हो गया। कश्मीर में उन्होंने क्या किया था? कनिष्कपुर एक नगर बसाया था कश्मीर। फिर सिंध भी हो गया, कश्मीर सिंध और दक्षिण भारत के कुछ भाग। तो यहाँ पर जो है हम पाटलिपुत्र देखते हैं, तो अश्वघोष कौन है? अश्वघोष जो कि एक बुद्ध का शिक्षा पात्र, अश्वघोष अद्भुत मुर्गा, और ये सब चीज़ें यहाँ से वो प्राप्त करते हैं। और ये कश्मीर से कनिष्क कनिष्कपुर शहर बसाता है। और यहीं पर क्या है, कुंडलवन कश्मीर में ही चतुर्थ बौद्ध संघ गीति का आयोजन करवाता है। सिंध की हम बात करें तो सिंध में एक सुई विहार है, सुई विहार
और यहाँ से पता चलता है कि उसने क्या है सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा इसका जो है कनिष्क का सिल्क रूट, सिल्क रूट जो है उस पर, सिल्क रूट पर कब्जा था पूरा, मतलब इनके आधिपत्य में ही आता था। और इन्होंने अपनी राजधानी, एक तो इसकी समय में दो राजधानियां थी, राजधानियां एक तो थी पेशावर यानी कि पुरुषपुर, जो कि विम कदफिस मनाई थी, पुरुषपुर पुरुषपुर, और दूसरी है मथुरा। तो ये दो राजधानी थी इनकी। इसके अलावा मथुरा से ही देवकुल मूर्ति मिलती है, देवकुल से मूर्ति मिली है, मूर्ति मिलती है किस किस की, एक तो विम कदफिसिस की, विम कदफिसिस की और कनिष्क की, स्वयं की मूर्ति इन्होंने ही बनाई थी, कनिष्क की और विम कदफिसिस की। इसके अलावा इन मूर्ति में क्या विशेषता है, इसमें एक तो रोमन है, रोमन वेशभूषा जैसे चोगा नुकीले जूते बूट यानी कि इन सबके बारे में यहाँ पर इस मूर्ति में हमें मिलती है, जो कि देवकुल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा निर्माण कार्य जो तक्षशिला के निकट, एक यहाँ पर तक्षशिला, यहाँ पर तक्षशिला नहीं है, तो इन्होंने जो है निर्माण कार्य क्या किया था, निर्माण कार्य एक तो कश्मीर में करवाया था, एक नगर ही बसवा दिया था कनिष्कपुर, कनिष्कपुर, और यहाँ पर ही मथुरा में देवकुल हो गया, और तक्षशिला में क्या करवाया था, सिरकप शहर हैं ये दोनों के, नगर हैं। आगे है यहाँ पर पेशावर में करवाया था उन्होंने, एक 13 मंजिला टावर बनवाया था, जो कि 400 फुट था, फुट लंबा था। इसके अलावा इसके देखे जाएं और कुछ विशेषताएं, तो इसके जो कवि थे, राजकवि की बात करें, इनके दरबार में कौन थे राजकवि, राजकवियों में आ जाएगा अश्वघोष, अश्वघोष इनकी जो रचना है वो क्या थी, बुद्धिचरित बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। इसके अलावा सारिपुत्र प्रकरण था, सारिपुत्र प्रकरण हो जाता है। इसके अलावा सौंदरा नंद, ये सारी बुद्धिचरित, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदरा नंद, ये सारे के सारे किसके रचना है, अश्वघोष की रचना है। इन्हीं के दरबार में इसमें दरबार में और कौन थे, तो चरक थे, ये चिकित्सक थे और पुरोहित, संघ रक्ष जो हैं वो पुरोहित थे। इसके अलावा नागार्जुन थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, और इन्हीं नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, आइंस्टीन
कहा जाता है। तो यहाँ पर राज दरबार में देख लीजिए कौन कौन थे, कनिष्क के अश्वघोष जिनकी रचना थी बुद्धचरित, सरित पुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, और यहाँ पर क्या है चरक थे जो कि चिकित्सक थे, संरक्ष थे जो कि इनके पुरोहित थे, और नागार्जुन जिसने जीरो का आविष्कार किया था, और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और जो बसुमित्र बसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष होते हैं, हमने देखा था कि कश्मीर में क्या है, कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति होती है, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, संगीति होती है, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है हीनयान महायान। तो हीनयान ये पुराना जो बौद्ध धर्म था उसको मानने वाले थे, और महायान मतलब इसमें क्या है पूजा पाठ करने लगते थे, तो ये महायान हो गया। आगे है यहाँ पर, और यहीं पर जो है जो अध्यक्ष थे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे, वसुमित्र थे, और ये जो बौद्ध संगीति है वो पार्श्व के कहने पर, पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने बुलाई थी, कनिष्क ने बुलाई थी। अब एक उपाधियां देख लेते हैं, तो उपाधि धारण कर रखी थी इन्होंने देवपुत्र, देवपुत्र हो गया, शाधीशा घनु शाही, ये उनकी उपाधि थी। साथ ही अगर हम सिक्के की बात करें, सिक्के की बात करें तो इनके सोने के सिक्के थे, यहाँ पर महात्मा बुद्ध हो गए, उनका अंकन मिलता है, सूर्य सूर्य का अंकन हो गया, अग्नि का, शिव का, और एक हेरा क्लीज का भी अंकन मिलता है, जो यूनानी देवता थे उनका भी अंकन मिलता है यहाँ पर। और तांबे, तांबे के सिक्कों पर, ये तो सोने के हो गए, तांबे के सिक्कों पर क्या अंकन मिलता है, तो यहाँ पर अग्निवेदी का, अग्निवेदिका में बलि चढ़ाते हुए, चढ़ाते हुए। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि इनकी मूर्ति जो है वो काफ़ी फेमस थी, तो मूर्ति कला यहाँ पर एक अलग से मथुरा, मथुरा की मूर्ति मथुरा की मूर्ति यहाँ पर फेमस होती है, और तक्षशिला की मूर्ति, तो दोनों की विशेषताएं जो है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर दोनों को ही देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर मूर्ति कला देखते हैं, मूर्ति कला एक है तक्षशिला, सॉरी तक्षशिला नहीं, गंधार, गंधार मूर्ति हो गई, और दूसरी तरफ हो गई मथुरा। दोनों किसके समय में थी, कनिष्क के समय में दोनों थी, और ये जो है गंधार जो है यहाँ पर केवल बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, गंधार हो गया, बमियान हो गया, जलालाबाद, पेशावर, तक्षशिला, यहाँ पर क्या है गंधार, गंधार
शैली की मूर्ति मिलती है। कहाँ पर, कहाँ पर? तो गंधार हो गया, बामियान हो गया, जलालाबाद हो गया, पेशावर हो गया, तक्षशिला हो गया। आगे यहाँ पर मथुरा की बात करें तो मथुरा और उसके आसपास इन्हीं सब का मिलता है। दोनों की बात करते हैं तो मथुरा में जो है ये लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, वहीं गंधार शैली में काले सिलेटी पत्थर का यूज हुआ है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध, बोधिसत्व, इन सब का तो यहाँ पर केवल बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है, बोधिसत्व। और लेकिन यहाँ पर जो है वो बौद्धों से भी है प्लस जैन से भी रिलेटेड है मथुरा वाले में। इसके अलावा गांधार शैली में मैत्रेय की सबसे ज़्यादा मूर्ति है। मैत्रेय मतलब भाभी बुद्ध की कल्पना करते हैं, जिसमें मैत्रेय की नाम दिया गया है, तो मैत्रेय की सबसे ज़्यादा मूर्ति मिली है, मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक हैं, अपोलो देवता यहाँ पर जो बुद्ध बनवाए गए हैं वो है अपोलो देवता के समान बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक मूर्ति है, तो इसके जो सिर की तरफ है ये जो है गोल गोल सा आभा मंडल जो है वो बनाया गया है उसको विशिष्ट बनाने के लिए, और ये जो है यथार्थवादी से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो कपड़ा है वो बहुत ही पतला है, पतला कपड़ा है दिखाया गया है, और ये जो है ये मिश्रित है, किससे मिश्रित कला है, मिश्रित कला है, इसको इंडो ग्रीक या इंडो रोमा भी कहा जाता है। लेकिन यहीं पे हम मथुरा शैली की बात करें तो यहाँ पर मोटा कपड़ा पहने हुए मूर्तियों को दिखाया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि कनिष्क के समय में थी। बाकी और भी यहाँ पर जो शासक हुए हैं उसके बारे में एक छोटी छोटी सी बातें हैं जो यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि जो विमकद फिसिस के समय पे पहली राजधानी जो थी वो पेशा पुरुषपुर थी, फिर कनिष्क के समय में दो राजधानी हो गई, और कनिष्क ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है वशिष्ठ। वशिष्ठ जो है इसने मथुरा को केवल राजधानी बनाई थी, मथुरा को केवल राजधानी बनाई थी, और इसके सिक्के पर कौन कौन से, शिव हो गया, स्कंद हो गया, और कार्तिकेय का अंकन किया है। हुविष्क ने, जैसे कनिष्क ने कनिष्कपुर बसाया था कश्मीर में, तो इन्होंने भी कश्मीर में हुविष्कपुर बसाया था, नगर बसाया था।
अब वहीं कनिष्ठ द्वितीय की बात करें तो यहाँ पर जो है चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति सिक्कों पर जो है चतुर्भुजी विष्णु मतलब विष्णु जी का जो है सिर जो है वो इस तरह से मतलब चार उसमें बनाया गया है आकृति। तो ये कनिष्ठ द्वितीय जो है वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड है, धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा वासुदेव और कृष्ण तृतीय की जानकारी हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। बाकी वासुदेव के जो सिक्के हैं वो शिव और विष्णु का अंकन है। तो बेसिकली यहाँ पर बात करें तो शिव के या वैष्णव धर्म के हमें उपासक काफ़ी दिखाई देते हैं, जो और जो कनिष्क हैं इनके समय में काफ़ी उसमें जो है बौद्ध धर्म से एक नया जो है हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर गांधार और मथुरा शैली भी हमें दिखाई देती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और यहाँ से क्या है आपका, समझ लीजिए एक क्वेश्चन 100% जो है वो आने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं आया है तब भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।